हेलो, वेलकम टू द लास्ट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। अब बात करते हैं भारत के दूसरे बड़े त्यौहार की जो अक्सर ईद के साथ रिलीज होता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, भाईजान की फिल्म का रिलीज हो जाना। और 2019 ईद रिलीज है भारत। आई एम डन विद द मूवी, आई वुड गिव 2.5 आउट ऑफ 5 टू भारत। मैंने कम रेटिंग क्यों दी, इसमें क्या क्या कमियां मुझे लगी फिल्म के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल हम करते हैं हमेशा की तरह स्टोरी से स्टार्ट। ये स्टोरी पार्टीशन के टाइम पे स्टार्ट होती है 1947 से, जहां पर भारत यानी सलमान खान का परिवार लाहौर के उस तरफ यानी आज की डेट में जो पाकिस्तान है वहां रह रहा होता है। इनके पिताजी की भूमिका प्ले कर रहे हैं जैकी श्रॉफ। अब पार्टीशन का टाइम है, हिंदू फैमिली है, उनको दिल्ली आना होता है वहां से। लेकिन जब वो ट्रेन में आ रहे होते हैं, जैकी श्रॉफ किसी तरह से नहीं चढ़ पाते क्योंकि उनकी छोटी बेटी वहीं पर गिर जाती है नीचे। वो भारत को जाते जाते बोल देते हैं कि तुम सब चलो, मेरा इंतजार करना, मैं वहां जरूर आऊंगा। अब वो लोग दिल्ली आ चुके हैं, सलमान खान पहले छोटा मोटा कोई काम करते हैं, फिर वो एक सर्कस ज्वाइन कर लेते हैं और फिर 10 साल आगे चली जाती है। अब उसी सर्कस में काम कर रहे हैं, वो सर्कस नेशनल लेवल तक बड़ी बन चुकी है और वहां उन्हें दिशा पटानी मिलती है। इसके बाद एक दिन सर्कस में हादसा हो जाता है और सलमान खान सोचते हैं कि सर्कस का काम उन्हें नहीं करना, और उन्हें फाइनली एक जॉब का पता लगता है कि सऊदी के अंदर तेल के कुछ कुएं हैं, वहां पर काम मिल रहा है इंडियंस को। तो वहां पे अप्लाई करने के लिए जॉब चले जाते हैं, जहां उनका सामना होता है यानी उनकी मुलाकात होती है कैटरीना कैफ से। अब सऊदी चले जाते हैं, वहां पर वो तेल के कुओं में काम करते हैं, फिर माइनिंग भी करते हैं वो। वहां पे एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है, फिर वो उनको लोगों को वहां से निकालते हैं, फिर वापस आ जाते हैं इंडिया में। अब फिर कोई नया काम करना है क्योंकि वो प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, फिर वो नेवी ज्वाइन कर लेते हैं। नेवी में भी वो वैसे ही लोगों को कुछ बचा लेते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। अब उनकी एक दुकान है जहां पर जैकी श्रॉफ उन्हें कहते हैं जाने के लिए, उनकी बुआ जी की दुकान, अब उन्हें वो बचानी है। उसमें लग जाते हैं और किसी तरह से अलादीन आ जाता है फिल्म में, और किसी तरह से फास्ट एंड फ्यूरियस हो जाती है। ऐसा हो नहीं रहा फिल्म के अंदर, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता तो कोई शॉकिंग नहीं था फिल्म के अंदर, क्योंकि फिल्म के अंदर कुछ भी चल रहा था भाई लोगों। तो ये स्टोरी है ऑल एंड ऑल। क्या क्लाइमैक्स है फिल्म का और फिल्म का मोटिव क्या है, एम क्या है फिल्म का, ये तो आपको फिल्म देखने के बाद भी शायद नहीं पता लगेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगा अभी तक। लेकिन किसी तरह से बनाने की कोशिश की गई है, और वो सब आप खुद जाकर देखना चाहते हो तो देख लीजिए, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा स्पेशली क्लासेस को। और अब बात करते हैं स्क्रीन प्ले की। अली अब्बास जफर का स्क्रीन प्ले उतना ही बेकार है जितनी कि उनकी स्टोरी बेकार है। हर एक सीन 15-15 मिनट लंबा है। आपको लगता है कि इतना लंबा क्यों है, अरे भाई मान रहे हैं कि आपने 1961 से लेकर 2010 कवर करना है, पर ऐसे थोड़ी भी होता है कि आप 15-15 मिनट के सीक्वेंस बनाओगे और फिल्म को डाल दोगे। फिल्म के अंदर कोई भी स्टोरी नहीं है दोस्तों, 15-15 मिनट के सीक्वेंस बना रखे हैं। एक नेवी वाला बना दिया, एक कोल वाला, वो जो तेल के कुओं वाला बना रखा है सऊदी के अंदर, और जो इतना सर्कस वाला बना रखा है, मतलब फिल्म को जोड़ तोड़ रखा है। फिल्म के अंदर एक स्टोरी जिसे कहते हैं स्मूथ चलना, उसकी पूरी तरह से कमी रही है। एक एम नहीं है फिल्म का कि उन्हें क्लाइमैक्स में दिखाना गया है। 15-15 मिनट की फिल्में जोड़कर एक 10 कहानियां टाइप फिल्म बना दी इन्होंने, और ये सबसे बुरा जो है फिल्म का स्क्रीन प्ले। स्टोरी फिर भी मैं कह सकता हूं कि 1% चल सकती थी अगर स्क्रीन प्ले सपोर्ट करता, लेकिन बहुत पुअर स्क्रीन प्ले है। इतना लेंथी, इतना लेजी स्क्रीन प्ले। ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट के 20 मिनट में बेकार लगेगा, इंटरवल के बाद बेकार लगेगा, आपको 15 मिनट के बाद ही लगेगा कि यार शायद कुछ हो जाएगा, क्योंकि अब तक तो बड़ी खराब चल रही है मूवी। और यही कहते कहते आप खत्म करके फिल्म करा जाओगे वापस। तो स्क्रीन प्ले बहुत बेकार स्क्रीन प्ले है फिल्म का। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। सलमान खान की परफॉर्मेंस बजरंगी भाईजान, ट्यूबलाइट, या जिस भी फिल्म में उन्होंने एक्टिंग करने की कोशिश की गई है उनके द्वारा, वैसे ही फिल्म में इसमें एक्टिंग है उनकी। कुछ भी खास एक्टिंग नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं करते। 70 साल का बुजुर्ग दिखा रखा है फिल्म के अंदर उन्हें, और मैं अपने भाई अली अब्बास जफर से कहना चाहता हूँ कि भाई 70 साल के बुजुर्ग ऐसे नहीं लड़ सकते जैसे तुमने दिखा रखा है लड़ते हुए। आपको देखने से ही नहीं लगेगा इतनी छाती चौड़ी और इस तरह से जो आउटफिट्स डाल रखे हैं सलमान खान ने, 70 ईयर्स ओल्ड, कि ऐसा लगते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी हमारे दादाजी हैं, हम देखते हैं उनको, अपने आसपास के बुजुर्गों को, तो उस तरह से भी नहीं पकड़ पाती फिल्म को। ना ही कैटरीना कैफ उतनी बुजुर्ग लगती हैं। इसके अलावा सुनील ग्रोवर की बहुत बड़ी भूमिका है फिल्म के अंदर, बहुत अच्छा स्क्रीन टाइम दिया गया उन्हें, लेकिन सुनील ग्रोवर का मतलब तब था फिल्म के अंदर जब फिल्म के अंदर कॉमेडी और ह्यूमर हो जाना होता। फिल्म के अंदर कॉमेडी जबरदस्ती ढूंसी गई है, ये क्लासेस को स्पेशली पता लगेगा फिल्म देखने के बाद। मासिस शायद हंस दे, वैसे तो मासिस भी खुश नहीं होने वाले क्योंकि उनको उनके टाइप का कंटेंट दिया नहीं गया, भाईजान वाली फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। अली अब्बास जफर की डायरेक्शन, मैं हैरान हूं कि एक आदमी जिसने टाइगर जिंदा है, सुल्तान जैसी फिल्में बनाई हैं सलमान भाई को लेकर, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। या तो ये फिल्म उनसे पहले डायरेक्ट की गई है और छुपा के रखी गई थी, बाद में निकाल दी गई, क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि जिस बंदे ने वो 2 फिल्में डायरेक्ट की है, इतना सूझवान डायरेक्टर ऐसी फिल्म भी लेकर आ सकता है। तो डायरेक्शन उनकी बहुत बेकार है, इक्वली जितनी स्क्रीन प्ले और जितनी स्टोरी। तो
वन आउट ऑफ फाइव टू द डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी। ये फिल्म डुबोने का जो असली रीजन है दैट्स अली अब्बास ज़फर। अब बात करते हैं म्यूजिक की। बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो फिर भी बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठाक सपोर्ट करता है फिल्म को। जूलियस पैकिम का बैकग्राउंड स्कोर है, ठीक ठाक बैकग्राउंड स्कोर है। लेकिन अगर म्यूजिक की बात की जाए तो गाने सारे के सारे वही आते हैं फिल्म में। जब भी गाना आता है आपको लगता है क्यों आ गया, सिवाय एक गाने के जो स्लो मोशन गाना है वो स्टार्टिंग में ही आ जाता है, उसके बाद कोई भी गाना फिल्म का अच्छा नहीं है। तो ये थे ओवरऑल मेरे फिल्म को लेकर रिव्यू। अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो फिल्म के अंदर सब चीजों की कमी है, लेकिन अगर डायलॉग भी फिल्म के अंदर अच्छे होते हैं, आई गेस वरुण शर्मा के डायलॉग है, वरुण एस शर्मा डायलॉग्स इस फिल्म के बहुत बड़े होने चाहिए थे, क्योंकि फिल्म को बहुत बड़े लेवल पे बनाया गया है, बहुत बड़े स्केल पे बनाया गया है। और फिल्म का नाम भारत है, सलमान भाई की फिल्म है, फिल्म का प्लॉट 1947 से लेकर 2010 तक का दिखाया गया है। और डायलॉग मतलब इतने हल्के डायलॉग फिल्म के बड़े बनाने की कोशिश की गई है कि देश लोगों से बनता है, परिवार अपनों से, मतलब लेकिन कहीं सेंस नहीं बनाया जा रहा उसकी। छोटा सा सीन जो मुझे अच्छा लगा वो है जैकी श्रॉफ और सलमान खान की वार्तालाप है अंत में जो आती है लास्ट में फिल्म के, वो मुझे अच्छा लगा। 2 out of 5 मैं उस सीन को दे सकता हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ भी क्लिक नहीं किया फिल्म में। तो दोस्तों ये थे मेरे सलमान खान की भारत को लेकर रिव्यू। मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो के साथ, किसी टीजर ट्रेलर रिएक्शन के साथ। मैं तैयार हूँ सलमान भाई के फैंस को झेलने के लिए, मैं भी उनका फैन हूँ, लेकिन फिल्म जो बुरी है मेरे अकॉर्डिंग वही मैं दिखाऊंगा और वही मैं बोलूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ दोस्तों, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके रिव्यूज मेरे रिव्यू से मैच करें, अगर आप देख भी लेते हो फिल्म गलती से, तो डू लाइक इट एंड डू शेयर इट, डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।